हम सबकी अपलाइन डबल वोल्टेज जीवर कृष्ण चंद्र मलिक जी, एक बार जबरदस्त तालियों से वेलकम ऑन द स्टेज डबल वोल्टेज जीवर कृष्ण चंद्र मलिक जी, जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। थैंक यू सर। नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, केवल अपने आप को बदल लो सारा जहान बदल जाएगा, सारे बदल जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण मलिक है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। जैसे अभी वालिया जी ने बताया था, नाना करते करते इकरार हो गया और हमें नाना सुनते सुनते बेटी हमसे प्यार हो गया। दोस्तों, हमने इस बिजनेस के अंदर 2005 में ज्वाइन किया था और जब 2005 में ज्वाइन किया था, सबसे पहले हम अपने नियर एंड डियर को मिले और जैसे नियर एंड डियर को मिले, पहले 10 को मिले, फिर 20 को मिले, 50 को मिले और 100 को मिले। यकीन मानना दोस्तों, 100 में से कोई एक सिंगल रिश्तेदार, कोई भाई बहन, कोई दोस्त इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, मुझे ये समझ में आ गया था ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन शायद इन लोगों के भाग्य में नहीं है। दोस्तों, जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, मेरे पास ज्वाइनिंग के पैसे नहीं थे। मैंने अपने दोस्त के रिश्तेदार से पैसे उधार लेके आया और मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। दोस्तों, जैसे मैंने यहां पे ना की बात कही, दोस्तों जो मैंने बताया, अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने वही जैसे आप सभी को बताते हैं, कहते हैं मलिक साहब आप ही करोड़पति बन जाओ। मैंने कहा कृष्ण मलिक तो करोड़पति बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैं ये चाहता था, मेरे दिल की ये विल थी कि आप लोग भी करोड़पति बने। दोस्तों, वो 100 नाम मुझे सिर्फ इसलिए सुननी पड़ी क्योंकि वो जो 100 लोगों ने मेरे को ना की, जो मेरे रिश्तेदारों ने ना की, जो मेरे घर वालों ने ना की, क्योंकि वो मेरी बैकग्राउंड को जानते थे। दोस्तों, मैंने किसानी का काम किया, किसानी के काम में मैं फेल हुआ। उसके बाद मैंने ऑटो थ्री व्हीलर चलाया, ऑटो थ्री व्हीलर में मैं फेल हुआ। उसके बाद मैंने पोल्ट्री फार्म खोला, पोल्ट्री फार्म के अंदर फेल हुआ। उसके बाद मैंने पिगरी फार्म खोला, पिगरी फार्म के अंदर फेल हुआ। उसके बाद पीडब्ल्यू डी बी एंड आर में कॉन्ट्रेक्टरशिप का काम किया, उसमें फेल हुआ। मार्केटिंग बोर्ड में कॉन्ट्रेक्टरशिप का काम किया, उसमें फेल हुआ। इरिगेशन में मैंने ठेकेदारी का काम शुरू किया, उसमें फेल हुआ। और दोस्तों, आठवीं क्लास में भी मैं 3 बार फेल हुआ। जो इंसान हर फील्ड के अंदर फेलियर हो, उस इंसान के साथ कोई जुड़ना पसंद करेगा क्या? कोई पसंद करेगा क्या? तो दोस्तों, इस ऑटो चालक के साथ भी कोई नहीं जुड़ा, लेकिन एक समझ में आ गई थी, ये जो व्यापार है, ये व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है और ये व्यापार हिंदुस्तान के अंदर अभी नया व्यापार है और ये व्यापार केवल आप और हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए व्यापार है। वैसे तो बड़े बड़े आदमी भी कर सकते हैं और बड़े बड़े लोग करते भी हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अभी हमारे पास आई है। दोस्तों, उसके बाद मैंने जो मेरे नियर एंड डियर थे उस लिस्ट को अलग रखा, जो मेरी प्रोफाइल को जानते थे, जो मेरी फेलियर की प्रोफाइल को जानते थे, मैंने उस लिस्ट को अलग किया। उसके बाद मैंने स्ट्रेंजर की लिस्ट बनाई और जैसे मैंने स्ट्रेंजर की लिस्ट पे काम करना शुरू किया, लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 100 के बाद मैं 101 वाले बंदे से मिला, 110 से मिला, 120 से मिला और यकीन मानना दोस्तों, 40 दिन के अंदर इस बिजनेस से छठा लेवल हो चुका था। दोस्तों, शायद मैं इस बिजनेस को ना करता, लेकिन मेरे सिर के ऊपर इतना कर्जा था, 21 लाख रुपए का कर्जा मेरे ऊपर था और हर वो आदमी, चाहे मैंने किसी का 1,000 रुपए देना था, चाहे मैंने किसी का 10,000 रुपए देना था, चाहे किसी का 1,00,000 रुपए देना था, चाहे किसी का 5 लाख देना था, दोस्तों उनकी वजह से मैं बहुत मेंटल हरास था। लेकिन
इस बिजनेस को मैं दिल से समझ चुका था। जिन लोगों का पैसा मैंने देना था, मैं उन लोगों के घर पे गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने उनसे कहा केवल मुझे 8 महीने का समय दो, मैं आप लोगों का पैसा हाथ जोड़ के विद इंटरेस्ट में आपको रिटर्न करूंगा। वो भी मेरे से पैसे मांग मांग के थक चुके थे। उनको ये लगा अगर ये मुझे घर आके अगर मुझे ये बोलता रिक्वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा पैसे तो इसमें देने तो है ही नहीं, चलो हम इसको एक मौका दे देते हैं। दोस्तों यकीन मानना, इस बिजनेस की ये खूबसूरती है, मात्र 8 महीने के अंदर मैं 21 लाख रुपए का जो लोगों का कर्जा था वो विद इंटरेस्ट मैं उनको रिटर्न कर चुका था। दोस्तों क्या आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं? क्या इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं? बड़ा आसान है दोस्तों। आज हिंदुस्तान में सबसे जो आसान रास्ता अगर किसी में सक्सेस होने का नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर है तो वो है हमारी कंपनी। दोस्तों क्या आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं? क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? आप लोगों को सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। आपने घोड़े में तंगे को देखा है? घोड़ा देखा तंगे में चलता हुआ? उस घोड़े के ऊपर उसकी आंखों के ऊपर ऐसे पर्दे कपड़ा लगा दिया जाता है, और वो कपड़ा इसलिए लगाया जाता है ताकि घोड़ा लेफ्ट राइट ना देखे, केवल अपनी मंजिल को देख पाए। अगले तीन से पांच साल तक आपको इस बिजनेस में घोड़े के आंखों के ऊपर जो कपड़ा लगाते हैं, आपने अपनी आंखों के ऊपर ऐसे इस तरह से फिक्स करना होगा अपने घोड़े के ऊपर ताकि आप इधर उधर ना देख पाए। और 3 से 5 साल तक आपने अगर अपनी आंखों के ऊपर वो कपड़ा बांध लिया, अगर 3 से 5 साल तक अगर आपने किसी दूसरे की फाइल को नहीं देखा, अगर 3 से 5 साल तक अगर आपने किसी कंपनी के अदर कंपनी के प्लान को नहीं देखा, और 3 से 5 साल तक केवल अपनी कंपनी के सौदा प्लान के ऊपर फोकस किया, तो अगले रॉयल्टी अचीवर आप हैं। जो इंसान इस धरती के ऊपर आया है, जिस इंसान का इस धरती के ऊपर जन्म हुआ है, भगवान हर उस इंसान को एक मौका लाइफ में जरूर देता है। और वह मौका कैसा होता है? दोस्तों जब भी कोई मौका आता है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब भी कोई अवसर आता है, वो ढोल बजा के नहीं आता। मैं एक छोटी सी बात के साथ आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों एक बार अपॉर्चुनिटी वेट कर रही थी और उस घर के अंदर कोई दूसरा आदमी आया। दूसरे आदमी ने आके उस घर के दरवाजे को खटखटाना शुरू किया, और उस घर के अंदर जो इंसान सो रहा था उसने कहा हेलो कौन, उसने कहा अपॉर्चुनिटी। उस इंसान ने अपने कान बंद कर लिए और दरवाजा नहीं खोला। उसके कुछ समय के बाद वास्तव में अपॉर्चुनिटी आई। उस अपॉर्चुनिटी ने आके हल्के से दरवाजे को नॉक किया, टक। जैसे उसने टक किया और उसने कहा कि दरवाजा खोलो, उस अपॉर्चुनिटी ने उस इंसान से कहा दरवाजा खोलो। उस इंसान ने क्या कौन, उसने हल्के से अपॉर्चुनिटी। वो इंसान इमीडिएट वहां से उठा और उसने दरवाजा खोला, और जैसे उसने दरवाजा खोला उसके घर के दरवाजे के आगे अपॉर्चुनिटी खड़ी थी। अपॉर्चुनिटी ने उस इंसान से सवाल पूछा, कहता है इंसान मैं उससे एक बात पूछना चाहता हूं, आज से हफ्ता 10 दिन पहले मैं वॉच कर रही थी, एक इंसान आया, उसने दरवाजे को बार बार खटखटाया लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला, और आज मैंने हल्के से दरवाजे को नॉक किया और आपने इमीडिएट 1 सेकंड से पहले दरवाजा खोल दिया, तो उस दरवाजे में और इस दरवाजे में फर्क क्या था? उसने आवाज भी ज्यादा थी, उसने आवाज भी ज्यादा लगाई, उसने दरवाजा भी कई बार नॉक किया, लेकिन मैंने केवल एक बार नॉक किया। उस इंसान का जवाब था अपॉर्चुनिटी हल्के से आती है, अपॉर्चुनिटी छुपके से आती है, अपॉर्चुनिटी बड़ी धीमी आवाज में आती है। दोस्तों यह अपॉर्चुनिटी 2005 के अंदर इस ऑटो चालक को मिली थी, बड़े हल्के से आई थी। हल्के से मैं इसलिए कह सकता हूं, शायद यहां इस मीटिंग के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा
जिस इंसान ने बिना प्लान देखे इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, केवल एक ऑटो चालक ऐसा इंसान है आज तक जिस इंसान ने कोई प्लान नहीं देखा था ये बिजनेस ज्वाइन किया। इस बिजनेस में बुलाने के लिए किसी ने मेरे को इनविटेशन नहीं दिया था, सिर्फ मेरे एक रिश्तेदार आया था और वो रिश्तेदार उसके रिश्तेदार की स्टोरी बता रहा था। कहते मेरा एक रिश्तेदार है, उसकी उम्र 20 साल है और उसने 20 साल की उम्र में ये काम शुरू किया और इस काम में 40 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर उसका 1,00,000 रुपए का सिंगल चेक आ रहा है। दोस्तों मेरे दिमाग में उस अपॉर्चुनिटी ने तुरंत नॉक किया। ऐसा कौन सा बिजनेस है, आप इतने बिजनेस कर चुके हो, सभी बिजनेस में फेल हो चुके हो, लेकिन एक 20 साल का लड़का और 30 दिन के अंदर सिंगल चेक 1,00,000 रुपए का ले रहा है। मैंने कहा यह चेक कहां मिलेगा, उसने कहा यह चेक जिम मिलेगा। उसने इनवाइट नहीं किया और ना उसने मेरे को ज्वाइन कराया और ना उसने मेरे को बुलाया। दोस्तों मैंने उससे सिर्फ ये पूछा वो मीटिंग कहां पर है, उसने बताया जींद के इसी तरह से जैसे ये हमारा मीटिंग हॉल है, जींद का उसने एड्रेस पूछ के मुझे बताया और मैं उस मीटिंग हॉल के अंदर गया। जैसे मैं मीटिंग हॉल के अंदर गया दोस्तों, सच में वहां पे एक चेक नहीं, 1,00,000 रुपए के दो चेक थे, वो भी 30 और 32 दिन के अंदर। उसके बाद मैंने इस बिजनेस के अंदर ये देखा इस बिजनेस को कर कौन रहा है। मैंने उस इंसान को फोन करके बुलाया जिसने मेरे को बताया था, उस वो इस बिजनेस में नहीं था, लेकिन मैंने उस मीटिंग में देखा इस बिजनेस को कौन कौन सफलता से कर रहे हैं। मैंने उस आदमी का नंबर लिया, उस आदमी को मेरे घर बुलाया और घर बुला के ये बिजनेस ज्वाइन किया। दोस्तों आप लोग लक्की हैं क्योंकि आप यहां पे अपने दोस्तों के साथ आए हैं। आप लोग लक्की हैं, आप लोगों को ये प्लान समझाया गया। आप लोग लक्की हैं, आप लोगों के पास अच्छी अच्छी अपलाइन है। अपलाइन तो हमारी भी हमने बनाई थी नहीं, अपलाइन तो हमने बुला के बनाई थी। दोस्तों आप लोग लक्की इसलिए हैं क्योंकि जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था हमारे पास केवल एक सिंगल प्रोडक्ट होता था। आज यहां पे दुनिया भर के प्रोडक्ट यहां पे हैं, मैं आपको बताऊंगा स्लाइड के माध्यम से। दोस्तों क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? Yes. क्या आप इस अवसर को कैश करने के लिए तैयार हैं? Yes. दोस्तों लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कैसी हो, वो मौका कैसा हो, वो चांस कैसा हो? वो चांस ऐसा हो जो हमारी जरूरतें पूरी कर सके, वो अवसर ऐसा हो जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके, वो अवसर ऐसा हो जो हमारे सपने पूरा कर सके। दोस्तों आज हमारी जरूरतें और इच्छाएं हैं क्या? दोस्तों आज हमारी जो जरूरतें और इच्छाएं हैं, हर इंसान का सपना है कि उसका एक शानदार घर हो, घर हो लेकिन बिना किस्तों का घर हो। हर इंसान का सपना है उसके पास गाड़ी हो, गाड़ी तो हो लेकिन बिना किस्तों की गाड़ी हो। हर इंसान का सपना है वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवाना चाहता है। मैं थैंक्स करता हूँ हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप जैन जी का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। आज इस प्लेटफॉर्म की बदौलत इस ऑटो थ्री व्हीलर चालक के बच्चे हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर पढ़ते हैं। आज इस ऑटो चालक के बच्चे इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, इस इंसान की सोच की वजह से हिंदुस्तान की राजधानी में पढ़ते हैं। आज इस ऑटो चालक के बच्चे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी के अंदर इस ऑटो चालक के बच्चे पढ़ते हैं। अगर इस ऑटो चालक के बच्चे पढ़ सकते हैं तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप लोगों के बच्चे भी अच्छे से अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बैंक बैलेंस की बात करूं, 95% लोगों के पास बैंक में बैलेंस इसलिए बोलता हूं, हम बैंक से लोन लेते हैं, हमारी गाड़ी किस्तों पे होती है, हमारा फ्रिज किस्तों पे होता है, हमारी वॉशिंग मशीन किस्तों पे होती है, हमारे फोन किस्तों पे होती है, बस एक चीज बची है वो हमारे सांस। अगर सांस के ऊपर भी आरबीआई लोन शुरू कर दे तो हमारे सांस भी किस्तों के हो सकते हैं। 95% लोगों के पास, 95% लोग केवल और केवल ईएमआई के कब्जे में हैं। हम जो लोग काम करते हैं, 95% जो लोग काम करते हैं वो केवल बैंक के लिए काम करते हैं, वो केवल अमीरों के लिए काम करते हैं। क्योंकि जो बैंकों में पैसा होता है, जो बैंकों का जो हम ब्याज भुगतते हैं
और अमीर लोग उसी पैसे को लेकर बैंक से वो करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं। दोस्तों, अगर हम जरूरतों की बात करें, हम इस बिजनेस से अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट की मैं बात करूं, ये इस बिजनेस की खूबी है। यहाँ पे आप जिस इंसान की आप फोटो देख रहे हैं, वो मात्र 34 साल की उम्र में अर्ली रिटायरमेंट ले चुका था। केवल 34 साल 34 एज में वो रिटायर हो चुका था। ये ऑटो चालक केवल 36 साल की उम्र में रिटायर हो चुका था इस बिजनेस से। ये इस बिजनेस की खूबी है। दोस्तों, आज हर इंसान आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है। आज हर घर आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है। हर स्टेट आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है। हर देश अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहता है। हर इंसान अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है। दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस की बात करें, आज हमारी जो जरूरतें हैं, आज हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादातर लोगों को अपनी जरूरत और आमदनी के बीच में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमें अपनी जरूरतों और आमदनी के बीच में कंप्रोमाइज ना करना हो तो हम क्या करें? हम अपनी जरूरतें कम करें, हम अपनी जरूरतें कम करें, हम अपनी जरूरतें कम करें तो क्या करें? हम अपनी आमदनी बढ़ाएं। लेकिन आमदनी बढ़ाएं कैसे? आमदनी बढ़ाने के सोर्सेज क्या हैं? आमदनी बढ़ाने के तरीके क्या हैं? आमदनी बढ़ाने का जो सबसे पहला तरीका है, वो तरीका है योग। दोस्तों, आमदनी बढ़ाने का जो तरीका है, वो सबसे पहला तरीका नौकरी। यस और नो? आज इस कोरोना काल के अंदर, आज इस COVID-19 के अंदर लगभग 50% से ज्यादा युवाओं की नौकरी जा चुकी है। आज ये COVID-19 न केवल युवाओं को खा चुका है, आज हिंदुस्तान की जीडीपी को भी खा चुका है। दोस्तों, अगर मैं नौकरी करने वालों की बात करूं, इन लोगों के पास ना तो अपनी मर्जी का समय होता, ना ही लोगों के पास अपनी मर्जी का पैसा होता, ना ही लोगों के पास सिक्योरिटी होती। ये लोग अपना समय बेचकर गुजारा करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जैसे लाइक डॉक्टर, लाइक CA या जो छोटे दुकानदार। ये लोग अपना समय बेच के गुजारा करते हैं। इन लोगों के पास पैसा होता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, इन लोगों के पास सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, एक कैटेगरी है व्यापार, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की नस नस बिजी होती है, इसलिए उसको बिजनेस बोला जाता है, इसलिए उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। बिजनेसमैन के पास समय बिल्कुल नहीं होता। और सिक्योरिटी की बात करें तो आज हिंदुस्तान के अंदर लगभग 38% से ज्यादा कारोबार ऐसे हैं जो लगभग बंद होने के कगार पे हैं ड्यू टू कोरोना। लगभग 4% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका COVID-19 की वजह से, कोरोना की वजह से 100% कारोबार बंद हो चुका है, ठीक हो चुका है, खत्म हो चुका है, फेल हो चुका है। दोस्तों, अगली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। इन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, इसलिए ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास समय भी होता है, लेकिन सिक्योरिटी इनकी भी कुछ नहीं होती। आज आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डर आपके शहर के आसपास, मैंने देखा दिल्ली के आसपास 10-10, 15-15, 20-20 मंजिलें बनी पड़ी हैं। जो फ्लैट 2014 से पहले 1 करोड़ रुपए का मिलता था, 2 करोड़ रुपए का मिलता था, आज वही फ्लैट जो 2 करोड़ का था वो 1 करोड़ में मिलता है, और जो 1 करोड़ का था वो 50 लाख रुपए तक मिल जाता है। इन लोगों के पास समय भी है, पैसा भी, और सिक्योरिटी इनकी भी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, एक कैटेगरी ऐसी है जिनके पास तीनों चीजें हैं, जानना चाहेंगे? उसका बोलते हैं सिंगर। दोस्तों, क्या आप और हम एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं क्या? दोस्तों, सिंगर के पास नेचुरल टैलेंट होता है, इसके पास समय भी है, पैसा भी, और सिक्योरिटी भी है। अगली जो कैटेगरी है वो होती है राइटर। क्या आप और हम सब लोग एक अच्छे राइटर बन सकते हैं क्या? एक अच्छे राइटर बन सकते हैं क्या? दोस्तों, एक अच्छे राइटर के पास समय, पैसा और सिक्योरिटी तीनों चीजें होती हैं। तीसरी जो कैटेगरी है साइंटिस्ट। दोस्तों, साइंटिस्ट के पास भी पैसा, सिक्योरिटी और समय
इनके पास ये तीनों चीजें होती हैं। दोस्तों ये वो लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, इनके अंदर नेचुरल टैलेंट है, लेकिन हम सब के अंदर कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। दोस्तों जैसे राइटर पैसे कमाता है, रॉयल्टी कमाता है, जैसे सिंगर पैसे कमाता है, जैसे साइंटिस्ट पैसे कमाता है, उसी तरह से यहाँ पे हमारी कंपनी के नवरत्न हैं, ये ना तो अच्छे सिंगर हैं, ना तो अच्छे राइटर हैं, और ना तो ये अच्छे साइंटिस्ट हैं। उसके बावजूद भी वही जो पैसा टैलेंटेड लोग कमाते हैं, आप और हमारे में से ये निकल के ये डीटीएन के नवरत्न हैं, ये रॉयल्टी इनकम कमा रहे हैं। दोस्तों हमारी कंपनी का नाम है डीटीएम डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी की मैं बात करूं तो डॉल्फिन इज ए ट्रस्ट नेम मैं इसलिए बोल सकता हूं। दोस्तों 2008 के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री से कंप्लीट रिटायरमेंट ले चुका था। 2008 से लेकर अब तक 12-13 साल हो गए। 12-13 साल के अंदर कोई मंथ ऐसा नहीं है जिस मंथ के अंदर 2,00,000 रुपए रॉयल्टी अकाउंट में ट्रांसफर ना होती हो। इसलिए 13 साल का रिकॉर्ड बोलता है और उस रिकॉर्ड का नाम है ट्रस्ट। डॉल्फिन इज ए ट्रस्ट नेम, डॉल्फिन इज ए बिग नेम। आज बिग नेम हम इसलिए कह सकते हैं, आज डॉल्फिन हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका है। डॉल्फिन इज ए ब्रांड नेम। दोस्तों डॉल्फिन ब्रांड नेम नहीं था, डॉल्फिन को ब्रांड नेम आप जैसे महान, आप जैसे मेहनती लोगों ने बनाया है, और मैं चाहूंगा एक बार इस ब्रांड के लिए और इन ब्रांड के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। दोस्तों डॉल्फिन का है ये नारा, आत्मनिर्भर भारत हमारा, खुशहाल रहे परिवार तुम्हारा, यही है फर्ज हमारा, और यही फर्ज अदा करने के लिए आज यहाँ पे राम गोपाल जी हमारे बीच में है 14th लेवल अचीवर, और यही फर्ज अदा करने के लिए हमारी कंपनी के CMD श्री प्रदीप जैन जी हमारे बीच में हैं। दोस्तों हमारे पास वो सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए जरूरत होती है। हमारी कंपनी ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती है, और अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं, हमारी कंपनी का ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, हमारी कंपनी का ये परमानेंट अकाउंट नंबर है, हमारी कंपनी का ये GST नंबर है, हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड कंपनी है, हमारी कंपनी के पास GMP सर्टिफिकेट है, हमारी कंपनी के पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने और सेल करने के लिए हमारे पास मंजूरी है, हमारी कंपनी और आपकी कंपनी IDSA की क्या है, IDSA की क्या आपकी कंपनी, हमारी कंपनी क्या IDSA की क्या है प्राउड मेंबर। दोस्तों आपकी कंपनी फिटसी की फाउंडर मेंबर है, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर मैं फिटसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज होती हैं, यूनिवर्सिटी अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी होती है, वो ऑटोनोमस बॉडी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी फैसला लेने का अधिकार यूनिवर्सिटी के पास होता है, उसी तरह से जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नेटवर्किंग कंपनियों का जो डिसीजन लेती है वो फिटसी लेती है, और आप लोगों आप इस बधाई के पात्र हैं, हमारी कंपनी फिटसी की फाउंडर मेंबर है। दोस्तों हमारी कंपनी की शुरुआत 2003 में हुई, और 2003 में शुरू होने के बाद जहां जैसे मैंने बताया था केवल एक सिंगल प्रोडक्ट था, आज आप लोगों के बीच में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर चुकी है। दोस्तों हमारी कंपनी के जो ऑफिसेज हैं, हमारी कंपनी के जो ब्रांचेज हैं, जो फ्रेंचाइजी हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में खुलना शुरू हो चुकी हैं, और लगभग बड़ी जो दुकानें हैं हिमाचल के अंदर लगभग 10 के आसपास खुल चुकी हैं, और कैंटीन की अगर मैं बात करूं बहुत सारी कैंटीन खुल चुकी हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक खुशी और देना चाहता हूं जो आज तक हिंदुस्तान में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने नहीं दी। हर यहां पे 6 and above को, जो यहां पे 6th level अचीव करेगा, 6 and above कोई भी मोबाइल कैंटीन ले सकता है, वो उसकी मैनेजमेंट वर्किंग कर रही है। दोस्तों आप लोगों को बधाई, आप हम सबका जो परिवार है 60 लाख लोगों को क्रॉस कर चुका है,
और इस बात के लिए मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं, 2021 के अंदर आप लोगों का जो परिवार है वो लगभग 1 करोड़ लोगों का परिवार होगा। दोस्तों, हमारा जो मिशन है, पहले हमारा मिशन था केवल वेल्थ, लेकिन आज हमारा 2020 के अंदर जो हमारा मिशन बन चुका है, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही होगा। आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको अच्छी से अच्छी दाढ़ें मिलेंगी, आपको अच्छे से अच्छी कंपनी का आटा मिलेगा, आपको अच्छी से अच्छी कंपनी की चीनी मिलेगी, आपको अच्छी से अच्छी कंपनी की चाय पत्ती मिलेगी, और आपको अच्छे से अच्छे टूथपेस्ट मिलेंगे, और वो यूज करते करते आप अपने हेल्थ के साथ करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। दोस्तों, आज कंपनी को 17 साल पूरे हो चुके हैं, और 17 साल पूरे होने पे फिर आपको एक बार फिर बधाई। दोस्तों, 17 साल से हम जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, और हर मीटिंग के अंदर हम मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करते थे, हम ये रिक्वेस्ट करते थे कि सर, इस हमारी इस कंपनी के अंदर वेल्थ बहुत ज्यादा है, हमारी इस कंपनी के अंदर वेल्थ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जानी जाती है, हमारी कंपनी पे आउट के लिए पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है, लेकिन हमारे पास हेल्थ की जरूरत थी, और वो हेल्थ की जरूरत हमारी मैनेजमेंट ने पूरी की, और वो पूरी भी किस तरीके से की, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल शुरुआत किया था अपॉर्चुनिटी से। दोस्तों, हमारी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी इतनी दूरदृष्टि सोच है, इतनी दूरदृष्टि सोच है, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको बताना चाहूं, इस कोरोना काल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री डाउन आती जा रही थी, केवल एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो ग्रो कर रही थी, और उस इंडस्ट्री के बारे में अनुमान लगाया, और अनुमान लगाने के बाद हमारे बड़े भाई जैन साहब प्रदीप जैन जी ने उस अपॉर्चुनिटी के बारे में लीगल एडवाइजर बुलाए, सीए बुलाए, और सीए बुलाने के बाद आपके आपके सामने ग्रोसरी का जो प्रोडक्ट है, ग्रोसरी के प्रोडक्ट आप लोगों के सामने लॉन्च किए, और ग्रोसरी हिंदुस्तान की कोरोना काल के दौरान कोई भी आप न्यूज उठा लेना, सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये कोरोना काल इसको सिद्ध कर चुका है, और इस अपॉर्चुनिटी को अवसर में बदलने के लिए मैं मैनेजमेंट को बधाई देता हूं। दोस्तों, अगर मैं ग्रोसरी की बात करूं, ग्रोसरी के अंदर हमारे पास बहुत सारी आइटम है, हमारे पास मसालों की बहुत सारी आइटम है, हमारे पास दाढ़े बहुत सारी, हर तरह की, लगभग हर तरह की दाढ़े हमारे पास हैं, कॉस्मेटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में आ चुके हैं, डिटर्जेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में हैं, अचार, हर तरह का अचार, एक एक कंपनी नहीं, दो दो कंपनी नहीं, कोई अचार शायद ऐसा नहीं होगा जो हमारी कंपनी के अंदर नहीं है। दोस्तों, हाइजन के प्रोडक्ट आप लोगों के पास है, चाय, चीनी, हल्दी, नून, तेल, गुड़, शक्कर, और अब तो घी भी आ चुका है। दोस्तों, ये जो पैकेज है, आप प्री परचेज के अंदर, ग्रोसरी के अंदर 1,000 रुपए की ग्रोसरी खरीद के, 1,000 रुपए की दाढ़े खरीद के, आटा खरीद के, चाय पत्ती खरीद के, आप प्री परचेज प्लान के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो पैकेज है हमारा हेल्थ पैकेज के अंदर आपके पास, हमारे पैकेज में 3 प्रोडक्ट है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वह इकाई बरी हार्ट के लिए रामबाण का काम करती है। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास एलोवेरा पेट के लिए रामबाण का काम करता है। तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास पंच तुलसी, यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, इस पैकेज, यह पैकेज 4,995 रुपए का है, और 4,995 में इस तीनों प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एक इंडिया में टूर मिलता है।